हेलो एवरीवन, दिस इज सुहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइंसेस। आज की इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक हमारा था न्यूक्लिक एसिड। और बेसिकली हम डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल है वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और इस डबल हेलिकल मॉडल की डिस्कवरी के दरमियान में या उससे पहले जो मेजर अचीवमेंट्स थी, जो डिस्कवरीज थी, हम उनको यहाँ पे बारी बारी डिस्कस कर रहे हैं। और जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने बात की थी आवन जाघव के बारे में और उनके जो रूल्स हैं, जिनका डीएनए स्ट्रक्चर के हवाले से खास तौर पे जो इम्पोर्टेंस था उसको यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको विजिट कर लें। आज के इस वीडियो में हम एक और इसी तरह से साइंटिस्ट की बात करेंगे और वो है जनाबे अली रोजालिंड एलसी फ्रैंकलिन साहिबा। रोजालिंड फ्रैंकलिन साहिबा बेसिकली इंग्लिश केमिस्ट हैं और साथ ही साथ ये एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर भी हैं। और बीइंग एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त जो है वो डिस्कवरीज की, ख़ास तौर पर स्ट्रक्चर स्टडी किए डीएनए के, आरएनए के, इसी तरह से वायरसेस हैं, कोल है, ग्रेफाइट है, एसेट्रा। और हुआ ये कि इनकी लाइफ के अंदर जो इनका बेसिकली वायरस और कोल के रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स थे या जो डिस्कवरीज थी उनको तो काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली या एप्रिसिएशन मिला, लेकिन डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल में जो उनका कंट्रीब्यूशन जो था उसको बहरहाल उनकी ज़िंदगी के अंदर तो इतना वो रिकग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन लेटर ऑन आफ्टर हर डेथ जो है ऑब्वियसली इसको रिकग्नाइज भी किया गया और आज के दौर तक, यानी कि आज तक हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इनका ब्रीफ हिस्ट्री ले लेते हैं। तो बेसिकली बात शुरू होती है किंग्स कॉलेज लंदन से और वहाँ पे ये एक रिसर्च एसोसिएट के तौर पे वहाँ पे एक यू कैन से ज्वाइन करती हैं उसको। और अपना जो इनका फील्ड था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ये उसी को कंटिन्यू करती हैं। और यही वो काम था जिसने असिस्ट किया टुवर्ड्स द डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। लेकिन ये जो एसोसिएशन था किंग्स कॉलेज लंदन में, ये इतनी देर तक नहीं चला। 1951 के अंदर इन्होंने इसको ज्वाइन किया था और आफ्टर टू ईयर्स 1953 में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हुए। वहाँ के डायरेक्टर जो कि जॉन रॉन्डल साहब थे और इसी तरह से इनके कॉलीग जो बड़े मशहूर हैं वाले, जैसे हम अक्सर उनको पढ़ते हैं, मॉरिस विल्किन साहब, तो उन डिसएग्रीमेंट्स की वजह से या उन तनाज़ात की वजह से बहरहाल ये मजबूर हुई कि उसको छोड़ दें लंदन कॉलेज को या किंग्स कॉलेज लंदन को। और उसके बाद ये चले जाती हैं ब्रिकबैक कॉलेज और वहाँ पे उनको एक सेपरेट रिसर्च टीम जो है वो प्रोवाइड की जाती है और ऑब्वियसली वो उसी तरह से अपना काम जो है वो उसमें जारी रखती हैं अनटिल इस डेथ। और डेथ जो है वो उनका बड़ी छोटी उम्र में हो जाता है, दैट इज़ 37 ईयर्स एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1958। सो वजह क्या थी, ओवरियन कैंसर था। और एक इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी जो एक्सरेज के साथ डील करता है ऑब्वियसली चांसेस होते हैं कि वो कैंसर जो है वो कैच करता है और उसी कैंसर की वजह से उनका डेथ हो जाता है। अब जो मेन काम है जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डीएनए के स्ट्रक्चर के हवाले से, वो बात जो है दैट इज़ कन्फाइंड टू किंग्स कॉलेज लंदन। और यहाँ पे जो काम किया गया दैट इज़ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, या इसके लिए हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक का भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली इसमें होता क्या है कि हमारे पास कोई भी स्पेसिमन, लेकिन इससे पहले मैं ये ज़रूर बताऊं कि जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, ये इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स के स्ट्रक्चर्स को डिटर्मन करने के लिए या स्टडी करने के लिए। तो इसमें हुआ क्या कि यहाँ पे लेट्स से डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल मौजूद है, यानी कि डीएनए का मॉलिक्यूल यहाँ पे मौजूद है और इसके ऊपर बम्बार्ड किया गया। यहाँ पे हमें कोई सोर्स नज़र आता है और इस सोर्स से एक्सरेज जो हैं वो इस स्पेसिमन के ऊपर बम्बार्ड की जाती हैं। और जब ये एक्सरेज आती हैं उस स्पेसिमन के ऊपर तो ऑब्वियसली अगर तो रास्ते में कोई चीज़ मौजूद है तो या तो वो डिफ्रैक्ट कर जाती हैं या वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। और अगर स्पेस है, यानी कि अगर दरमियान में कोई एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल मौजूद नहीं है तो ये गो थ्रू करता है, यानी कि इसमें से ट्रांसमिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो तीन ऑप्शंस हैं, या तो यहाँ पे कुछ रेज जो हैं वो डिफ्रैक्ट करती हैं या फिर कुछ रिफ्लेक्ट बैक करती हैं
और कुछ रेज ऐसी हैं जो आगे ट्रांसमिट करती हैं, और ट्रांसमिट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक यू कैन से फोटोग्राफिक फिल्म मौजूद होता है, और उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमें उस स्पेसिमन का एक पार्टिकुलर इमेज या यू कैन से एक फोटोग्राफ जो है वो हासिल होता है। अब इसी तरह से एक फोटोग्राफ है दैट इज़ कॉल्ड, बड़ा मशहूर फोटोग्राफ है दैट इज़ फोटो 51, और ये जो फोटो 51 है दैट वॉज टेकन बाय हर स्टूडेंट एंड दैट वॉज रेमंड गॉसलिंग। इनका ये जो फोटोग्राफ है डीएनए मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइन करने के बाद उसके ऊपर एक्सरे बम्बार्डमेंट के बाद जो इमेज हासिल होता है, इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली ख़ासतौर पे वॉटसन एंड क्रिक को कि वो डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कवर कर सकें। इज़ इट राइट? सो हुआ ये कि ऑब्वियसली इनकी लाइफ के अंदर तो हमने कहा कि ये सारा मामला जो है वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएटेड और रिकग्नाइज नहीं था, लेकिन बाद में जब डीएनए डबल हेलिकल मॉडल आ जाता है, यानी कि 1953 में जो है वो मॉडल पेश किया गया था और उसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया 1962, और 1962 के अंदर जो नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन दिया गया डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की डिस्कवरी के लिए, वो तीन बंदों ने शेयर किया जिसमें मॉरिस विल्कन साहब भी हैं, जेम्स वॉटसन भी हैं और साथ ही साथ फ्रांसिस क्रिक भी हैं। और जो जेम्स वॉटसन साहब हैं इन्होंने बहरहाल ये ज़रूर बोला कि भाई रोजालिन फ्रैंकलिन को भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन उस दौर में चूंकि मरहूम के लिए जो है वो इस तरह का रूल डिफाइन नहीं था नोबेल प्राइज़ के लिए, तो बहरहाल वो अपनी लाइफ के अंदर या रोजालिन फ्रैंकलिन साहबा जो है वो उसको शेयर नहीं कर सकी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उनके काम की वजह से, उनके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की वजह से ये साइंसदान इस काबिल हुए कि इन्होंने डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल को डिस्कवर किया। सो दैट वाज अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट रोजालिन फ्रैंकलिन, और इसमें हमने बात की एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की और ये बात की कि किस तरह से वो फोटोग्राफ जो है वो असिस्ट किया, उसने मदद की डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की डिस्कवरी के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। हम मिलेंगे एक मेजर टॉपिक के साथ, और वो मेजर टॉपिक जो है दैट इज़ अबाउट डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, और उसको हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।